हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा नंदानी आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ ये भुजिया की चिक्की और ये मूंगफली और भुजिया की चिक्की है, दोनों को मिक्स करके मैंने बनाई है। मूंगफली की तो आपने बहुत खाई है, अब ये दोनों बनाकर देखें जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी कुरकुरी है और ये क्रिस्पी तो है ही है, सॉफ्ट भी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है और इसके साथ मैंने ये 1.5 कप ये भुजिया ली है, नमक वाली भुजिया है, ये मिर्च वाली नहीं है। इस तरह के पैकेट में आती है जो आप बिना मिर्च वाली कोई भी भुजिया ले सकते हैं। तो अब मैंने इसलिए कढ़ाई रख दी है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी, और अब मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ 1 कप जो मैंने लिया था। अब इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल दूंगी और इसे हम मेल्ट होने देंगे। फ्लेम हमें हाई रखना है। और फ्रेंड्स, आप गुड़ जो लें वो मीडियम कलर का लें, ना ज़्यादा लाल लें और ना ज़्यादा वाइट। प्योर वाइट तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और रेड जो है इसे पकाते पकाते और थोड़ा लाल हो जाता है, लास्ट तक आते आते बहुत लाल हो जाता है। इसलिए थोड़ा मीडियम कलर का गुड़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस तरह से मैंने लिया है। तो अब इसे मेल्ट होने देंगे। और अब ये देख सकते हैं आप, झाग बननी शुरू हो गई है। 1 से 1.5 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, पानी में डालकर हम चेक कर लेंगे इसे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आप इसे निकाल कर देखें तो जो ये स्ट्रेचेबल है। तो अभी हमारी ये तैयार नहीं है, हम इसे 1 मिनट और चला लेंगे। 1 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे इसे पानी में डालकर। और ये आप देख भी सकते हैं कि इसमें थोड़ा रेडिश रेडिश से बुलबुले से उठ रहे हैं। अब ये जो हार्ड हो जाए या जैसे कुछ ये ब्रेक, इसको तोड़ कर देखें आप, ब्रेक हो जाए तो उसे गैस ऑफ कर दें तुरंत और इसे भुजिया को आप बीच में मिक्स कर दें। जो ये हम चाशनी बना रहे हैं तो वह हार्ड होनी शुरू हो जाती है, बस हमें उसी समय डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें गैस बंद करने के बाद। ये हमारी मिक्स हो गई है। अब मैंने ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इस पर मैंने घी लगा लिया है। आप चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं या फिर आप बटर पेपर ले सकते हैं या फिर आप पोलोथीन भी ले सकते हैं, फॉइल भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लें आप। उस पर घी से आप उसे ग्रीस कर लें पहले, और फिर अपने हाथों पर भी लगा लें घी, और इस तरह से थोड़ा सा इकट्ठा करें। और अब मैं इसके 5 भाग कर लूँगी, छोटे छोटे जो हैं इसमें गोले बना लूँगी मैं, छोटे छोटे पेड़े। और आपको थोड़े बड़े साइज़ की बनानी है चिक्की तो आप थोड़े बड़े ले लें। और तब हम इसे बेल लेते हैं बेलन से। आप किसी मार्बल के ऊपर में रखकर भी आप इसे बेल सकते हैं, मार्बल का चकला रहता है, या फिर आपका लकड़ी का चकला रहता है उस पर भी बेल सकते हैं, किसी फॉयल पेपर पे भी। पूरा का पूरा इकट्ठा सारा जो मैंने इसके 5 पार्ट किए हैं, आप पार्ट ना करें, इकट्ठा भी बेल सकते हैं, और बेलकर उसे आप स्ट्रिप्स में काट सकते हैं, चौरस पट्टी जैसे होती है, आप जिस हिसाब से आप काटना चाहें, या किसी होलो रिंग में आप रख कर इसे शेप कर सकते हैं। लेकिन ये बेली ज़्यादा अच्छी लगती है, आसानी से बेल जाती है। तो हम इसे थोड़ा हाथ से भी शेप दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। हमारी ये बनकर अब रेडी है, इन्हें हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, और तब हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और अब मैं आपको दूसरी मूंगफली और भुजिया की जो मिक्स चिक्की है वो बताती हूँ, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1/2 कप रोस्टेड पीनट ले लिए हैं, और इस कप के हिसाब से मैंने लिए हैं, ये मेजरिंग कप के हिसाब से। मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है और इसी से ही मैंने 3/4 कप ये भुजिया ली है। और अब मैं फिर से पीनट्स को रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, और आप जिस भी बाउल से मेज़र करें तीनों चीज़ें उसी से ही लें। अब हम इसको पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं फ्राई पैन में 1 से 1.5 मिनट। पहले से तो रोस्ट हैं ही, लेकिन फिर से हम हल्का सा इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि हमें इसे तोड़ने में आसानी हो। हमारे पूरी तरह से हाफ नहीं है, कोई कोई साबुत है बीच में, तो इसीलिए हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं।
अभी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं और निकाल कर इसे हम इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेंगे। हम इसे अच्छे अच्छे से मसल कर इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी इसे क्रश कर सकते हैं। तो अभी ये हो चुके हैं, अभी हमारे क्रश हो चुके हैं। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इसे पटक कर जो है इसके छिलके निकाल लें, यानी इसे दो तीन बार थाली में ऐसे इस तरह से पटकें तो ये छिलके अलग हो जाएंगे। अब इसे बाउल में ले लेंगे। अब इसमें मैंने कढ़ाई ले ली है और एक चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली, आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। और अब इसे मेल्ट कर लेंगे और अब इसमें हम एक कप जो गुड़ लिया है मैंने वो डालेंगे और इसमें दो चम्मच लगभग हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो गया है और हाई फ्लेम पे करना है हमें और अब 1 से 1.5 मिनट तक इसे मेल्ट होने देंगे अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं इसमें पूरी झाग बनने लग गई है और ये चारों तरफ से रेड रेड से बबल्स भी आने लग गए हैं। हम इसे पानी में डालकर चेक कर लेते हैं और चेक करते समय गैस का फ्लेम स्लो कर दें। आप ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रेच हो रहा है ये, तो हमें हल्का सा कुछ और चला लेना है सेकंड्स, तो हम फिर से चेक कर लेंगे कुछ सेकंड के बाद। ये अभी हार्ड हो गया है तो हम इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और ये मीठा सोडा आप भुजिया वाली गचक में भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी उससे सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जब 30 सेकेंड लगभग चला लेंगे और ये फ्लफी फ्लफी सा जब हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे इसमें और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और हम फिर से इसे चॉपिंग बोर्ड पर घी लगा लेते हैं और हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें हम फिर से हाथ पे घी लगा लेते हैं और इसे इसके 5 अलग अलग हिस्से कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो 4 कर लें आप। तो हम इसे बेल लेते हैं। आप जैसे भी बनाना चाहें, गोल बनाना चाहें या लंबी स्ट्राइप्स में आप काटना चाहें तो आप पूरे को इकट्ठे को ही बेल सकते हैं और बेल के स्ट्राइप्स काट सकते हैं। और इसी तरह से हम सारी बेल लेंगे। अभी हमारी सारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर सर्व करेंगे। दोनों ही बनकर तैयार हैं। आप इसे बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।